हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपके क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और आपको बता दूं कि मैथ्स का सेशन एवरी डे 9:30 PM को होगा, तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज के पार्ट फोर में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आज के सेशन में। पहला देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। सक्सेसिव चेंजेस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस का, इसका सक्सेसिव का मीनिंग होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्रमिक। हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रमिक। इसका मीनिंग होता है क्रमिक। ठीक है, सक्सेसिव का मीनिंग होता है क्रमिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंजेज में हम लोग देखेंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, आपके पास 100 रुपया है, आपके ब्रदर ने आपको इसका 10% दिया, तो 100 का 10% दिए तो कितना रुपया दे दिया आपको? 10 रुपया दिया, तो इसका मतलब 110 रुपया आपके पास हो गया। अब आपके एक और ब्रदर ने क्या किया कि इस 110 का 20% आपको दिया, तो 110 का 20% यदि कैलकुलेट करेंगे तो 110 का 20% कितना हो जाएगा? 22, तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो अब बोला जाए कि अब बताइए पहले की तुलना में, यानी जो रुपया आपके पास था और जो अभी है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? इस 100 से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। तो 100 से 32 ज्यादा है, तो इसका मीनिंग कितना ज्यादा होगा? 32% अधिक ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो ये कहता है। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा मतलब इसी का, यदि मान लीजिए एक इंक्रीज, ये तो दोनों इंक्रीज था, एक ऐसा होता कि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता, तो यही मान लीजिए कि ऐसा होता, ये 100 रुपया आपके पास था, आपके ब्रदर ने आपको 10% दिए, इस 100 का 10% तो कितना हो गया? 110। आपने क्या किए, अपने दूसरे ब्रदर को इसका 20% आपने दे दिया, तो 110 का 20% यानी 22 लेस हो जाएगा, और 22 लेस हो जाएगा तो कितना हो गया? 88 हो गया। अब आपके पास जो रुपये होंगे वो कितने होंगे? देखिए, अब आपके पास जो रुपये होंगे 88 होंगे, तो 100 से कितना लेस हुआ? तो 100 से 12 लेस हुआ, तो इसका मीनिंग 12% लेस हो गया आपके पास, यानी कम हो गया। लेस करने का मीनिंग क्या हो गया? इतना आपके पास कम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है। तो देखिए, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए या तो आप ये 100 वाला बेस समझ सकते हैं, या इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट चेंजेज। आप ऐसे लिख सकते हैं, नेट चेंजेज इन परसेंटेज। क्या लिखेंगे? x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100, इतना परसेंट। ठीक है, इसके लिए आप ये ध्यान रखिए, नेट चेंजेज इन परसेंटेज x प्लस y प्लस x वाई 100, इसमें जब परसेंटेज में वैल्यू बढ़ रहा हो, यानी कहने का मीनिंग क्या है? इंक्रीज, इंक्रीज लिखा रहे, मोर लिखा रहे, राइज लिखा रहे, ठीक है, प्रॉफिट लिखा रहे, इस तरह के वर्ड यूज हो, एक्सीड लिखा रहे, ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव परसेंटेज यूज करेंगे। और यदि लिखा रहे डिक्रीज लिखा रहे, लेस लिखा रहे, डिमिनिश लिखा रहे, डिमिनिश लिखा रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको नेगेटिव परसेंटेज यूज करेंगे। यानी इन सब के लिए आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इन सब के लिए नेगेटिव वैल्यू आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम इसमें यूज करते तो क्या लिखते? ऐसे लिखते 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिखते हम। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता, देखिए ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और ये 2 हो गया, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना हो गया? 2% हो जाएगा, तो 32% अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते तो मैं ऐसा लिखता 10 माइनस 20 प्लस इंटू माइनस, क्या देखिए यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस, तो कितना हो गया? 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो देखिए अभी कितना हो गया? माइनस 8 और ये माइनस, सॉरी ये माइनस 10 हो गया, ये माइनस, समझ लीजिएगा, ये कितना हो गया? माइनस 10, ये हो गया माइनस 10 और ये हो गया -2, तो -10 और -2 कितना होता है? -12, तो -12%, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये
माइनस आने का मीनिंग क्या हुआ कि कम हो गया, 12% की वैल्यू कम हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता। एक और तरीका है जिसको मैं बता रहा हूं आपको, देखिए एक और तरीका क्या है। जैसे मैंने बोला था 10% इंक्रीज, अब इस चीज को सही समझ लीजिए, 10% इंक्रीज का मीनिंग क्या होगा कि आप 1/10, और 20% इंक्रीज यदि मैं बोल रहा हूं 20% इंक्रीज, तो इसका मीनिंग क्या होगा 1/5। तो देखिए इसका मीनिंग, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैल्यू 10 से बढ़ के कितना हो गया 11, दूसरा बोल रहा है कि ये 5 से बढ़ के कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 से बढ़ के 6 होगा इस 11 पे होगा, तो इसका मीनिंग ये दोनों वैल्यू तो इक्वल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो इसका मीनिंग इसको इक्वल करने के लिए कितने से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मीनिंग ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 11 से। तो देखिए अब ज्यादातर जो वैल्यू पूछा जाता है इससे इसका रिलेशन पूछा जाता है। तो देखिए ये कितना हो गया 50, 50, और ये कितना हो गया 66। अब कितना अधिक है इससे, तो देखिए इससे कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो इंक्रीज परसेंटेज हमें निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि 16 अधिक है तो 16 डिवाइडेड बाई 50 इंटू, देखिए इससे इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे इसका पूछा जाता है 16 अधिक 16 बाई 50 इंटू 100 कर देंगे तो देखिए कितना परसेंट हो गया, 32%। तो एक तरीका ये भी है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा यदि मान लीजिए एक इंक्रीज रहता, मान लीजिए ये बोला गया 10% इंक्रीज, ठीक है। तो 10% इंक्रीज का मीनिंग तो आप समझते हैं 1/10, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू 10 होगा तो इंक्रीज होगा कितना होगा 11। और यदि 20% डिक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1/5, यानी 5 से घट के कितना हो जाएगा, 5 से 1 घट जाएगा, तो 5 से 1 घट जाएगा तो कितना हो गया 4। अब देखिए ये दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ये इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको कितना 11 से मल्टीप्लाई, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया 50, और ये वैल्यू कितना हो गया 44, तो ये तो कम हो गया ना, इससे इसका कितना वैल्यू कम हो गया, तो 8 कम हो गया, सॉरी 6 कम हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज परसेंटेज तब लिखेंगे, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट आ गया, 50 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2, तो कितना परसेंट हो गया 12%। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 कंसेप्ट आपको बताए हैं। एक कंसेप्ट तो बताया कि 100 का कंसेप्ट लेकर चल सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, इफ इनकम ऑफ बी इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ सी इज 18/11% लेस देन द इनकम ऑफ बी, देन इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि बी की आय ए की आय से 10% अधिक और सी की आय से और सी की आय बी से 18/2/11% कम है तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिए कहने का मीनिंग क्या है, बोला गया ए बी और सी है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला गया ए की आय जो है बी से, इनकम ऑफ बी इज 10% मोर देन ए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए की इनकम में 10% आप ऐड कर देंगे तो बी का इनकम पता चलेगा, और बी की इनकम में आप जो भी वैल्यू आएगा बी का इनकम उससे आप 18/2/11% यदि कम कर देंगे तो सी का इनकम पता चल जाएगा, यही तो कहा जा रहा है। तो देखिए इसको मैंने 100 ले लिया तो ये कितना हो गया 10% ऐड हो गया, बी कितना हो जाएगा 100 का 10% आप जानते हैं 10 होगा तो ये 110 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको, पहला मेथड में बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 110 हो गया। अब 110 का 18/2/11 कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा 2/11 होगा, ठीक है। 9/1/11 कितना होता है, 11% को हम लोग लिखते हैं 1/11, तो ठीक इसका डबल किया गया तो डबल हो जाएगा, तो इसका 2 times होगा यहाँ पे तो ये भी 2 times हो जाएगा, तो यहाँ 2/11 हो जाएगा, तो 2/11। तो 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 110 को 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 10 into 2 20, यानी 20 लेस हो जाएगा। तो 20 यदि लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक ना। 20 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा, देखिए 100 से ये कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 10 कम है, यानी 10% लेस हो गया। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, सेकेंड मेथड।
इसे भी ध्यान से देखिए, सेकंड मेथड क्या कह रहा है। सेकंड मेथड क्या है, देखिए पहले स्टेटमेंट को देखें, 10% इंक्रीज है, 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब 10% का मीनिंग हम लोग, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/10 होता है, यानी वैल्यू 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 18 होल 2/11% लेस कहने का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग 2/11 हुआ। तो इसका मीनिंग हुआ कि वैल्यू यदि 11 होगा तो 11 से घट के कितना होगा, 2 कम हो जाएगा, तो यानी 9 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है, इक्वल है, तो इससे कितना कम है देख लीजिए, तो इससे इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो इससे इसके बीच में डिफरेंस जो है 1 का है, तो 1 का लेस है, यानी 1 लेस है कितने से, 10 से, तो यहाँ से लेस परसेंटेज आप क्या लिख सकते हैं, लेस परसेंटेज लिख सकते हैं 1/10 × 100। तो 1/10 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 10% लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इन द ईयर 2018, इन द ईयर 2018 इन रामकृष्ण मिशन स्कूल 20% मोर स्टूडेंट एनरोल्ड कंपेयर टू द ईयर 2017, while in the year 2019 only 16 whole 2/3% new student enrolled in the school, what is the percentage change in the number of students? तो पूछा गया है कि स्टूडेंट्स में कितने परसेंट का चेंजेज हुआ, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट कम या अधिक हुए, ठीक है। बोला गया कि वर्ष 2018 में रामकृष्ण मिशन स्कूल में वर्ष 2017 की तुलना में 20% अधिक छात्रों ने दाखिला लिया, जबकि वर्ष 2019 में स्कूल में केवल 16 whole 2/3% यानी 16 से 2/3% नए छात्रों ने दाखिला लिया। तो छात्रों की संख्या में परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो देखिए, यानी 2017 की बात की जा रही है, फिर 2017 से 2018 और 2018 से 2019 की बात की जा रही है। तो 2017 से 2018 में क्या हुआ, देखिए 20% छात्रों ने एनरोल किया, तो यदि 100 होंगे तो 100 से 20% अधिक एनरोल कर दिया तो कितना हो गया, 120 हो गए। अब 120 इससे कितने परसेंट अधिक एनरोल हुए, तो 16 whole 2/3% अधिक एनरोल हुए, तो इसका 16 whole 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है, ये ध्यान रखना होगा ये सब परसेंटेज। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 से 20 हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे तो 140 हो गया। तो देखिए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो इंक्रीज बाय 40%, तो ये आपका आंसर हो गया कि 40% इंक्रीज होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ये फर्स्ट मेथड मैंने बताया आपको, ये आपको फर्स्ट मेथड बताया। देखिए इस मेथड से बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए 20% का मीनिंग कितना होता है, तो 20% का मीनिंग आप जानते हैं कि 1/5 होता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। 16 whole 2/3% का मीनिंग कितना हो गया, 16 whole 2/3% का मीनिंग होता है 1/6, यानी 6 से बढ़ के कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से कितना अधिक है, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो इंक्रीज परसेंटेज आप क्या लिख देंगे, इंक्रीज परसेंटेज 2/5 × 100 कर देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, ठीक है। तो देखिए दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाई 20% इन द ईयर 2018, बट ड्यू टू सर्टेन पेंडेमिक द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाई 8 whole 1/3%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। क्या बोला गया, वर्ष 2018 में किसी शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2019 में कुछ महामारी के कारण जनसंख्या में 8 से 1/3% की कमी हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी प्रतिशत में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन बढ़ा या घटा, ये बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए तो मैं सेकंड मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड को मैं इस बार पहले सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड मेथड से सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, देखिए तो 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% का मीनिंग तो हम लोग अब समझ चुके हैं कितना होता है, 1/5, तो इसका मीनिंग 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो जाएगा पॉपुलेशन। अब देखिए 8 whole 1/3% का मीनिंग क्या होता है, 8 whole 1/3% का मीनिंग होता है 1/12, ठीक है। तो 1/12 ये आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारे फर्स्ट परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो
वहां से आपको ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। ये हमें पता है तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, और ये पता होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। तो देखिए 12 से अब घट के कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, 12 से घट के 11 हो जाएगा, ये बोला गया। अब देखिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 11 है, तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। इससे ये कितना अधिक है? देखिए कितना अधिक है, तो हम बोलेंगे प्लस 1 है। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना लिखेंगे? 1 बाई 10 इंटू 100। तो 1 बाई 10 इंटू 100 कर देंगे तो देखिए इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना परसेंट हो गया? 10% इंक्रीज हो गया। तो हम लोग बता सकते हैं कि पॉपुलेशन 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला वाला मेथड ही फॉलो करें, दूसरा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड की बात कर ले, जो हम फर्स्ट मेथड लिख रहे थे परसेंटेज वाला मेथड। तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखिए 2017 की बात कर लें, 2018 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें। तो 2017 हमारा बेस वैल्यू है, तो इससे बढ़ रहा है कितना परसेंट? देखिए इससे 20% इंक्रीज, और इससे बोला गया है 8 होल 1/3% डिक्रीज हो गया। ठीक है, पेंडेमिक कारण 8 होल 1/3% डिक्रीज हो गया। तो यदि यहाँ पे 100 पॉपुलेशन होता तो बढ़ के कितना होता? 120। और इसका मीनिंग हमने बताया कि 1/12 होता है। ठीक है, तो इसका 1/12 कितना हो गया? 10 लेस हो जाएगा। तो 10 लेस हो गया 120 से, कितना हो गया? 110। तो इस 100 से कितना अधिक है? तो इस 100 से 10 अधिक है, तो 10% मोड़ हो गया। ठीक है, दोनों में से किसी से भी आप कीजिए, आपका कैलकुलेशन में स्पीड आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। If the population of a city increases at the rate of 12.5% per annum and the present population of the city is 320,000, then what will be the population of the city at the end of 2 years? देखो बोला गया, यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 12.5% की दर से बढ़ती है और शहर की वर्तमान जनसंख्या 320,000 है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी क्या होगी? ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए तो इसके लिए यही सक्सेसिव फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व, इसको यदि आप निकाल लेंगे नेट चेंजेस कितना होगा, तो मैं उसके चक्कर में नहीं जाऊंगा। आप डायरेक्ट लिखिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 320,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब देखिए 12.5% 12.5% का मीनिंग कितना होता है फ्रैक्शन में? इसका मीनिंग होता है 1/8, यानी पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन 8 होगा तो नेक्स्ट ईयर में बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 से 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब इंक्रीज का जो रेट होगा 9/8 टाइम्स होगा, ये 9/8 टाइम्स के रेट से बढ़ेगा। कितने ईयर्स तक बढ़ेगा? तो ये 2 ईयर्स तक बढ़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 9/8 × 9/8 टू टाइम्स कर देंगे, तो आपका पता चल जाएगा कि नेट पॉपुलेशन क्या होगा, नेट पॉपुलेशन यानी शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 8 64 64 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया? 5000। ठीक है, यानी 81 × 5000 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना हो गया? 5 8 5 40 405 000, यानी 4,05,000 आपका नेट पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें कोई, यदि आप फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़ाते हैं लोग, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट पॉपुलेशन, ऐसे आप लिख सकते हैं, नेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी पी इंटू 1+R/100 ऑल टू द पावर n। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं लोग। लेकिन यदि अलग अलग ईयर्स में हो तो आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, मान लीजिए रेट ऑफ, ये जो रेट है वो चेंज हो रहा है, तो इसी पॉपुलेशन का फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ेगा, P × 1+R1/100 × R2/100 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सही नहीं लगता है मुझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹512,000 इफ इट्स प्राइस डिक्रीजेज एट 12.5% पर एनम, then what will be the price of machine at the end of 3 years? अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला कि एक मशीन की वर्तमान कीमत जो है 512,000 रुपये है, अगर
इसकी कीमत 12.5% प्रति वर्ष की दर से घटती है तो 3 साल के अंत में मशीन की कीमत क्या होगी। तो देखिए, अब एक मशीन है, कोई भी मशीनरी आप लेते हैं तो आप जानते हैं कि उसका प्राइस क्या होता है, डे बाई डे कम होता है। कोई भी फर्नीचर ले लीजिए, कोई भी फर्नीचर ले लीजिए, किसी तरह का मशीन खरीद लीजिए, चाहे मोबाइल खरीद लीजिए, उसका प्राइस क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, कैसे डेप्रिसिएट होगा, उसका एक सर्टन रेट होगा, उसी सर्टन रेट से वो क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 512 है, 512000 है, ठीक है। और यहाँ पे 12.5% का मीनिंग क्या होता है, 12.5% का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि 12.5% की मीनिंग जो होती है, ये 12.5% का मीनिंग ये कितना होता है, 1/8। तो कहने का मीनिंग क्या कि 8 से घट के कितना हो जाएगा, 8 से 1 कम हो जाएगा, ये ऊपर में जो वैल्यू है वो कम होगा, तो इसका मीनिंग कितना होगा, डिक्रीज का जो रेट होगा वो 7/8 टाइम्स होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अब देखिए कितने ईयर्स तक होगा, ऐसे ऐसे 3 ईयर्स तक होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाई कर देंगे कितना, 7/8 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8 × 7/8 × 7/8 कर देंगे, तो ये हमारा नेट वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, नेट वैल्यू निकल के आएगा। तो 8 × 64, 64 × 512, तो 512 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर 1000। 7 × 7 × 7 × 7 का क्यूब होता है तो 343 होता है, तो 343000 आपका आंसर हो गया, यानी 343000 ये आपका नेट वैल्यू हो जाएगा, इतने रुपये उसका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए कितना हमने आसानी से कैलकुलेट किया। इसके लिए यदि आप फॉर्मूला नोट करना चाहें तो फॉर्मूला इसके लिए कुछ ऐसा है, ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 − R/100 होल टू द पावर n, ठीक है। और यदि रेट डिफरेंट हो, डिफरेंट रेट के लिए क्या होगा, डिफरेंट रेट के लिए आप इसको फॉर्मूला को लिखेंगे ऐसे, P × 1 − R1/100 × 1 − R2/100, ऐसे आपको लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ओके। देखिए क्या करना है, जब इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर में ऐड करके ऊपर लिख देना है, और फिर आपको सॉल्व कर देना है, जितने ईयर्स होगा उतने टाइम्स रिपीट कर देना है। डिक्रीज होगा तो क्या कर देना है, यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले वैल्यू को माइनस करके और जितने ईयर्स बोला गया उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है, यही कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोला गया द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹2,16,000, 2,16,000 रुपया एक मशीन की प्राइस है। इफ द प्राइस ऑफ मशीन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 14/2/7%, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ मशीन 3 ईयर्स एगो। देखिए 3 साल पहले कितना प्राइस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें सोचनी है, ठीक है। पहले तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 216000, तो हम ये बोले कि प्रेजेंट वैल्यू का कुछ ऐसा हुआ होगा, 14/2/7% है, देखिए 14/2/7%, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1/7, इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग 7 से घट के कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसको मीनिंग, इसका मीनिंग ये डिक्रीज हो रहा होगा, तो 6/7 के रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मीनिंग हो गया 6/7 × 6/7 × 6/7, ऐसे 3 बार किया होगा तब जाके ये 216000 आया होगा। तो देखिए 6 × 6 × 6 216 होता है, 216 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो प्रेजेंट जो उस समय वैल्यू था वो कितना था, 343000, ये आपका वैल्यू था मशीन का, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि थ्री इयर्स अगो कितना वैल्यू था, ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू 216000 है, अब देखिए ये 6/7 है, घटने के बाद 6/7 हो रहा है, तो हम लोग उसको उल्टा करके लिखेंगे 7/6, तो 7/6 × 7/6 × 7/6 कितनी बार लिखेंगे, जितने ईयर्स बोला गया, जितने साल पहले की बात की गई, कितने साल पहले की बात की गई, 3 साल पहले, तो 3 साल तक, तो ये कितना हो गया 216000 ये कट गया, तो ये कितना हो गया 1000, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 343000 रुपीज उसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया है इन अ स्कूल देयर आर 70% बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, 28/4/7% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड फॉर साइंस एंड रेस्ट ऑप्टेड फॉर अदर, वाइल 33.33% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर साइंस एंड रेस्ट ऑप्टेड फॉर अदर्स। इफ द नंबर ऑफ
Students, both boys and girls, opted for science is 120. Then find the total number of students, both boys and girls, opted for other subject. देखिए बोला गया एक स्कूल में 70% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं. 28 से ही 4/7% लड़कों ने विज्ञान का विकल्प चुना और बाकी ने अन्य का विकल्प चुना, जबकि 33.33% लड़कियों ने विज्ञान का विकल्प चुना और बाकी ने अन्य का विकल्प चुना. यदि विज्ञान के लिए चुने गए छात्रों यानी लड़के और लड़कियों दोनों की कुल संख्या 120 है तो अन्य विषयों के लिए चुने गए दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या का ज्ञात करें. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसा समझें. ठीक है, तो कुछ ऐसे समझते हैं कि यदि 100 स्टूडेंट होंगे स्कूल में तो इसको हम बाइफर्केट कर देते हैं. तो इसका मीनिंग 70 बॉयज हुए और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे आपके 30. अब बोला गया है इसमें दो तरह के विकल्प हैं और इसमें भी दो तरह के विकल्प हैं. एक है साइंस लेने वाले, तो साइंस लेने वाले कितने परसेंट है देखिए, तो बोला गया 28/4/7, तो 28/4/7% यदि 70 का कैलकुलेट किया जाए तो 28 होल, आप ऐसे समझिए ये 100% है, ये भी परसेंटेज में ही है, सब परसेंटेज में ही है. तो 70 का 28/4/7% कितना हो गया, तो 70 का 28/4/7% यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि आपका 2/7 टाइम्स. 28/4/7 का मीनिंग कितना होता है, 2/7 टाइम्स. ठीक है, तो 7 से कैंसिल करेंगे 10, 10 का 2 गुना कितना हो गया 20, तो 20% हो गया. यहाँ पे कितना हो जाएंगे, तब 50% हो जाएंगे, माइनस कर दीजिए 70 में से. यहाँ बोला गया 33.33% ने क्या किया, साइंस के लिए साइंस चूज किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वन थर्ड मतलब कितना हो गया 10%. इसका मतलब यहाँ पे 20% लड़कियों ने अदर सब्जेक्ट चूज किया, ये अदर हो गए. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब देखिए बोला गया क्या कि जो कुल विज्ञान के लिए चुने गए छात्रों यानी लड़के और लड़कियों दोनों की कुल संख्या कितनी है, 120. तो इसका मतलब विज्ञान में बॉय जो है वो कितने हैं, 20% है. विज्ञान में जो बॉयज हैं ये कितने हैं, ये 20% है. विज्ञान में बॉयज हैं वो कितने हैं, 20%. गर्ल्स कितनी हैं, 10%. तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 30%. तो इस 30% की जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है आपका 120. जो अदर है वो कितने हैं, अदर है 50+20, तो 50+20 कितना हो गया, 70%. तो 70% की वैल्यू कितनी, देखिए इसका कितना टाइम्स है, तो आप बोलेंगे 30 का सर 4 टाइम्स किया गया है, तो इसका मतलब 70 का 4 टाइम्स करेंगे तो 70 का 4 टाइम्स कितना हो गया, 280. तो 280 अदर सब्जेक्ट में है. ठीक है, यदि पूछा जाता टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स पूछा जाता तो क्या करते, तो टोटल स्टूडेंट्स की बात करते तो कितना लिखते, देखिए तो हम लोग 100 का 4 टाइम्स कर देते तो कितना होता, 400 हो जाता. यानी टोटल 400 स्टूडेंट हैं जिसमें 120 क्या है, साइंस है, और 200 अदर कैटेगरी में है. ठीक है, तो कुछ सक्सेसिव चेंजेज आते हैं तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कृष्णा स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 7.5% ऑन एंटरटेनमेंट, 16/2/3% ऑन फूड, 8/1/3% ऑन बुक्स एंड रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड. If he saved ₹11,000 per month, then what is the difference between his expenses on house rent and entertainment? House rent और entertainment पे जो expense हुआ उसका difference कितना है. ठीक है, तो ये तो देखिए अब पूरा income पे ही बोला जा रहा है, तो आप इसको बहुत आसान question है. बोला ये कृष्णा ने अपनी आय का 12.5% घर के किराए पर, मनोरंजन पर 7.5%, भोजन पर 16/2/3%, किताबों पर 8/1/3% खर्च किया और शेष राशि बचाया. यदि वह प्रति माह ₹11,000 बचाता है तो घर के किराए और मनोरंजन पर उसके खर्चों में क्या अंतर है. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए तो इसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, 12.5 और 7.5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 20 हो गया. 20 और 16 हो गया आपका 36 + 8 हो गया आपका 44, और 2/3 + 1/3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 45. तो नेट जो एक्सपेंस हुआ 45, ये उसका एक्सपेंस हो गया 45%. ठीक है, और उसका सेविंग्स कितना होगा तब, तो आप बोलेंगे सर सेविंग्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसमें 100 में से माइनस कर देंगे 45% को, तो 100 में से 45% को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, क्योंकि हम लोग नेट इनकम को 100% ही समझते हैं, नेट इनकम कितना समझ के चलेंगे, 100%. तो इस 100% में से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 55%. तो इस 55% की वैल्यू देकर रखी गई है.
55% की वैल्यू हमें यदि देकर रखा गया है कि 55% की वैल्यू रुपीज 11,000 रुपीज होगा, 11,000 रुपीज होगा, तो 100% की वैल्यू, सॉरी 100% की वैल्यू नहीं निकालनी हमें, तो बोला गया है कि इन दोनों के, कृष्णा के हाउस रेंट और उसका क्या बोला गया, स्पेंट और हाउस रेंट और एंटरटेनमेंट पे जो खर्च हुआ उसका डिफरेंस कितना है। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5% का डिफरेंस है, तो 5% की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कितना है, 1/11 टाइम्स है, तो इसका भी हम लोग 1/11 टाइम्स कर देंगे। तो इसका 1/11 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/11 टाइम्स करना है, तो 1/11 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/11 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग 1,000 रुपीज जो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस है, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यानी अंतर हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए। सुनील स्पेंड 16% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, ऑन रिमेनिंग 14 होल 2/7% स्पेंड ऑन फूड, ऑन रिमेनिंग 33 होल 1/3% स्पेंड ऑन गैम्बलिंग एंड एंटरटेनमेंट, एंड रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे रेशियो होगा, अरे टी आई होगा, रेशियो ऑफ 7:5 ऑन इंश्योरेंस एंड फिक्स डिपॉजिट। इफ स्पेंड 4,480 ऑन इंश्योरेंस देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एनुअली। तो फूड पे हर वर्ष कितना खर्च कर रहे हैं। तो देखिए इसका मीनिंग हुआ कि यदि 100 रुपया वो कमा रहा होगा तो उस 100% में से वो पहले तो 16% खर्च कर दिया, तो मैंने 16% निकाल दिया, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया, अब रिमेनिंग बच गया 84%। अब इस 84% में से देखिए वो कितना खर्च कर रहा है, 14 होल 2/7%, 84 का 14 होल 2/7 यानी 1/7 टाइम्स, 1/7 टाइम्स कैलकुलेट कर देंगे कितना होगा, 12%। तो 12% यदि खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग बच गया आपके पास 72%। अब इस 72 में से देखिए 72 का कितना खर्च कर रहा है, 33 होल 1/3%, तो 33 होल 1/3% इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/3। तो 1/3 खर्च कर दिया तो कितना हो गया, आप इसको देखेंगे तो 24 हो गया, है ना, 24 3 72 होता है, ठीक है। तो 24 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस हो जाएगा तो ये हो गया आपका कितना, 48। तो रिमेनिंग बचा कितना, 48। अब 48% को किस रेशियो में खर्च करा है, देखिए इसको खर्च करा है 7:5 में। तो इसको आप 7:5 में यदि डिवाइड करेंगे 7:5 में, तो मेरा जो इंश्योरेंस वाला पार्ट आएगा, वो इंश्योरेंस वाला पार्ट कितना आएगा, तो इंश्योरेंस वाला पार्ट हम लोग देखें तो 48% का कितना पार्ट आएगा, 7/12 टाइम्स। तो 7/12 टाइम्स कर देंगे तो 12 से कितना हो गया, 4, यानी कितना हो गया, 28%, ठीक है। तो 28% खर्च करा है, इस 28% की वैल्यू कितनी दी गई है, रुपीज 4,480, 4,480 रुपया दिया गया है। अब बोला गया है क्या कि उसका एनुअल स्पेंड बताइए फूड पे। तो देखिए फूड पे कौन सा स्पेंड है, फूड पे ये वाला स्पेंड है। तो एक साल में, एक महीने में वो कितना रुपया खर्च कर रहा है, 12% खर्च कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं कि 12% की वैल्यू कितनी होगी। तो 28% की वैल्यू इतनी है, तो 12% की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग ऐसा लिख लेंगे 4,480 × 12 डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, 28। 4 से कैंसिल कर लेंगे 3, और 4 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 7 हो गया, 7 6 = 42 होता है और 2 बच गया, तो 7 4 = 28, 640 हो गया। 640 का 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 और 18 + 1 = 19, 1920, यानी 1920 रुपया एक महीने में वो फूड पे खर्च कर रहा है। ये तो उसका फूड पे एक मंथ हुआ, पर मंथ। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि पर एनम, एक वर्ष में कितना खर्च कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप 1920 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तब आपका पर एनम पता चलेगा। तो ये पर एनम कितना होगा, तो पर एनम होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 12 2 = 24, 12 9 होता है आपका 108, 108 + 2 110 हो जाता है, 12 + 11 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका मीनिंग हो गया 23,000, 40 रुपीज, इतने रुपये वो एनुअली एक साल में फूड पे खर्च कर रहा है। एक बार मल्टीप्लाई देख लीजिए, 12 0 12 2 = 24, 2 बच गया, 12 9 = 108 + 2 110 हो गया, और 12 + 11 = 23 हो गया। तो 23,040 रुपया एक वर्ष में वो खर्च कर रहा है, किस पे, भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सक्सेसिव में कितने सारे स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके बैंकिंग के पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और एसएससी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है मधु स्पेंड 1/5 ऑफ हर इनकम ऑन ट्रेवल। देखिए बोला गया है कि मधु अपने इनकम का
एक बटा पांच भाग घूमने फिरने पे खर्च करती है, ऑन रिमेनिंग 25% स्पेंड ऑन होटल्स बिल्स, जब घूमने जाएंगे तो होटल के बिल लगेंगे तो 25% खर्च करती है, ऑन रिमेनिंग 30% स्पेंड ऑन रेस्टोरेंट, खाने में और रेस्टोरेंट में 30% स्पेंड करती है, एंड रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड इन द रेशियो ऑफ 9:5 ऑन हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस, 9:5 के रेशियो में हाउस रेंट और इंश्योरेंस पे खर्च करती है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सी स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस इज ₹7,200 पर मंथ, देन व्हाट इज हर एनुअल इनकम। क्या बोला गया देख लीजिए, मधु ने अपनी आय का 1/5 हिस्सा यात्रा पर खर्च किया, शेष राशि का 25% होटल के बिलों पर, शेष राशि का 30% रेस्टोरेंट में खर्च किए और शेष राशि 9:5 के अनुपात में घर के किराए और बीमा पर खर्च की। यदि मकान के किराए और बीमा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर प्रति माह ₹7,200 है तो उसकी वार्षिक आय क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1/5, इस 1/5 कहने का मीनिंग क्या हुआ, 1/5 कहने का मीनिंग 20% हो गया, तो आप ये चीज ध्यान रख लीजिए। तो अब देखिए, यदि हम उसकी इनकम मान लें पर मंथ, इनकम पर मंथ हम मान ले रहे हैं कि 100% ये पर मंथ है, ठीक है, क्योंकि ये मंथली एक्सपेंस ही है। ठीक है, तो अब हम कैसे समझे मंथली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है 7,200 पर मंथ, तो इसलिए हम लोग इसको पर मंथ में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस पे वो कितना 20% स्पेंड कर दी, तो रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, रिमेनिंग बच गया उसके पास 80। अब ये 20% किस पे, ट्रैवल पे हम लोग लिख ले रहे हैं, ट्रैवल पे उसने खर्च किया, 80% बच गया, 80% का कितना खर्च करिए 25%, तो 25% कहने का मीनिंग क्या होगा, 1/4, 1/4 कहने का मीनिंग कितना हो गया, 1/4 कहने का मीनिंग हो गया, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, 1/4 पार्ट कहने का मीनिंग कितना हो गया आपका 20%। ये किस पे खर्च हो रहा है, उसके होटल्स बिल पे, तो यहाँ भी लिख रहे हैं होटल बिल्स लिख ले रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो। रिमेनिंग कितना हो गया, आप देखिए 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो 60% हो गया। अब 60 का बोला गया है 30%, तो 60 का 30% वो कहाँ खर्च करिए, रेस्टोरेंट पे, तो 60 का 30% कितना हो गया 18, ये रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 42 बच गया, 42%। अब इस 42 को किस रेशियो में खर्च कर रही है, 9:5 के रेशियो में, 9:5 के रेशियो में किस पे, हाउस रेंट और किस पे, इंश्योरेंस पे, इस रेशियो में खर्च कर रही है। ठीक है, अब बोला गया है क्या, देखिए द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस बोला गया, तो यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंस होगा 42 × 4/14, 4/ आपका कितना आएगा 14%, इतने का वैल्यू देकर रखा है ₹7,200, तो 14 से इसको कैंसिल कर लेंगे 3, यानी 12% की वैल्यू इतनी है। तो अब एनुअल इनकम पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले ये निकालें, तो 12 से देखिए 12 का ये कितना टाइम्स है, तो 12 का ये 12×72 600 गुना है, तो इसका 600 गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 100 का 600 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ₹10,000। ठीक है, ये हो गया ₹10,000। अब 10,000 एक महीने की इनकम हुई, ठीक है, अब एक महीने की इनकम आप उसकी ₹10,000 हो गई, तो आपसे पूछा गया है क्या कि आप उसकी ये बताइए कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम कितनी बताएंगे, तो एनुअल इनकम हो जाएगी, एनुअल इनकम कितनी, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ₹1,20,000 उसकी एनुअल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका एनुअल इनकम हो गया। तो ये भी एक देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस तरह के दो क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला गया है इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, देयर वेयर ओनली टू कैंडिडेट्स, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफिटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वॉज, तो इलेक्शन में कितने वोटर्स थे। बोला गया क्या देख लीजिए, हिंदी में इसको पढ़ देते हैं, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल मतों में से 48% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से हराया,
चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी ये बताना है। तो हम कुल मतदाताओं की संख्या यानी कुल वोटर्स मान लेते हैं, टोटल वोटर्स ही हम 100 मान लेते हैं। तो टोटल वोटर्स यदि हम 100 मान लेते हैं, टोटल वोटर्स यदि हम 100% मान लेते हैं, तो 100 में से देखिए कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोटेड कितने हो गए, ये हमें पता चल गया। वोटेड कितने हो गए, वोटेड हो गए 92%। अब देखिए खेल यहां शुरू होता है। एक जो स्टेटमेंट बोला गया, ये जो 48% जो मत है, 48% मत प्राप्त करता है विजेता कुल मतों में से। तो कुल मत तो हमारे पास कितना है, कुल मत तो 100% है। तो इसका मतलब इस 100 में से जो विनर है वो, उस विनर को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 48%। ठीक है, तो विनर पाया 48%। ठीक है, अब 100 में से 48 और 100 के 92 पार्ट्स ही है, 92% ही, 100 में से 8% लोगों ने वोट दिया। तो 8% लोगों ने जब किसी में वोट ही नहीं दिया तो ये तो नॉट काउंटेड हो गया, नॉट काउंटेड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 48% और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही लूजर कैंडिडेट, जो हारा होगा कैंडिडेट उसको मिलेगा, है ना। तो लूजर को कितना मिलेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो लूजर को कितना मिलेगा इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 12 - 8 कितना हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 - 8 - 4 कर देंगे तो 44%। अब देखिए विनर 48% पाया, लूजर पाया 44%। इसका मीनिंग जीतेगा कौन, विनर तो जीतेगा, कितने परसेंट वोट से जीता। तो यहाँ से डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंस कितना आया आपका 4%। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 4% का आ गया। तो 4% की जो वैल्यू हो गई, 4% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, 1100। तो आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसका कितना गुना है, तो इसका 25 टाइम्स है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, 27500, यानी 27500। टोटल वोटर्स जो थे वो 27500 थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है। देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेंड बाय द विनिंग कैंडिडेट। बोला गया दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 60% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 1400 मतों से बहुमत से चुना जाता है, विजयी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि 100 वोटर्स हैं तो 100 में से एक को कितना मिला 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब देखिए इससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप बोलेंगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20% है। तो 20% की वैल्यू देकर रखी गई है कितना, 14,000। ठीक है, अब पूछा गया है क्या कि वोट ऑब्टेंड बाय विनिंग कैंडिडेट, तो विनिंग कैंडिडेट को तो हमें पता है कि 60% वोट मिले, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका कितना टाइम्स है, देखिए 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे 14,000 का 3 टाइम्स कर दीजिए, तो 14,000 का 3 टाइम्स कितना हो गया, सॉरी रुपीज नहीं होगा, 14,000 का 3 टाइम्स हो गया 42,000। तो इसका मीनिंग कितने वोट से, कितने वोट मिले हैं विनर कैंडिडेट को, 42,000 वोट्स मिले हैं। ओके, तो आते हैं अगले पार्ट में। तो आज के सेशन में, मैथ्स के सेशन में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और यदि इसका आप पीपीटी लेना चाहते हैं पावर पॉइंट का, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी डाउट हमें class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप एवरी डे रात को 9:30 पे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, और सुबह की 8 बजे एवरी डे करेंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।